So number one, encouragement. Number two, to Mission Olympic. Number third, to keep away youth from drug and all kind of unionism activities. Number four, to give them a faith ki hum aage kuch kar sakta hai. And let me tell you, abhi bhi national game mein Arunachal wala 17 participate kiya, 7 medal leke aaya. To iska matlab hamara bahut potential hai aur us potential ko explore karne ke liye ye ek naya disha hai. Helping hand to ek NGO hai jo North East ka jo all the successful people ke saath mein hai. और आज जो आज फंक्शन किया है अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन जो बामांग तागो मेरे साथ भी है, ये अपना हैदराबाद से सुनील चावली है, ये मेन मकसद ये है कि हमने एक बार जैसे पहले बताया था आपको कि अरुणाचल वाला जो स्पोर्ट्स में ज़्यादातर बहुत पतला दुबला सा रहते हैं. दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ कि बोल कहते कि ये क्यों इतना पतला दुबला है, तो कुछ लोगों ने कहा कि इनका बैलेंस डाइट ठीक नहीं है. तो तब मेरे आइडिया शुरू हुआ कि अरे वाई नॉट गिव देम ए बैलेंस डाइट. तो करते करते आज हम लोग जो ये बीआर इंडस्ट्री के साथ में हम लोग जो अभी स्कॉलरशिप लॉन्च किया है, ये 4 इयर्स के लिए. नंबर वन. नंबर टू, केस अवार्ड भी दिया हुआ है. ऑफ कोर्स उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन है, रेगुलर होना पड़ेगा, पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, वो सब तो है ही है. और ये 4 इयर्स में हम लोग जानबूझ के उनको पैसा नहीं दे रहा, क्योंकि पैसा देने से जनरली जो यंग लड़का लड़की लोग उसको अपना मोबाइल खरीदने में इधर उधर में अननेसेसरी एक्सपेंडिचर खर्च करेगा. इसीलिए हम लोग ने जानबूझ करके उसको एवरी मंथ अच्छा बैलेंस डाइट जो इंटरनेशनल सर्टिफाइड है, प्लस यही डाइट हमारा आर्मी नेवी एयरफोर्स तो खाते हैं जो बिल्कुल बॉर्डर में रहते हैं, वेरी वेल बैलेंस है, तो उनको हम लोग हेल्पिंग के थ्रू पहुँचा दिया जाएगा. तो अभी तो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन ने भी, उन्होंने भी चिप इन कर लिया है, उन्होंने भी और हम लोग साथ में मिलकर सही तरह से डिस्ट्रीब्यूशन होगा. फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन द कंट्री, पहले बार हुआ है. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू अरुणाचल प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन जो बामांग तागो है, प्लस उसका प्रेसिडेंट जो है ऑनरेबल मिनिस्टर है, जिन्होंने भी बहुत ही हमें साथ दिया है इस आज जो स्कॉलरशिप को जो फंक्शन करने में सक्सेसफुल के लिए दिया हुआ है. द होल आइडिया इज कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल में 31 सबसे ज़्यादा स्कॉलरशिप हम लोग को मिला है, जो कि सारा नॉर्थ ईस्ट के लिए है. तो ये दर्शाता है कि क्योंकि सिलेक्शन बहुत स्ट्रिंजेंटली सिलेक्शन हुआ है, ताकि जिनको जो जरूरतमंद है उसी को ही दिया गया है. सो दैट इन फ्यूचर में आफ्टर 4 इयर्स के बाद में आवर एम इज टू जो बीआर इंडस्ट्री है, जो मेजर विशाल बख्शी है और उनका सीईओ अभी कुछ लखनपाल भी वेरी इमोशनली अटैच कि हम पहाड़ों के लिए भी करेगा बोल करके, ये हमारे साथ भी ये लखनपाल भी है अपना सीईओ जो बीआरआई इंडस्ट्री का. सो नंबर वन, एनकरेजमेंट. नंबर टू, to Mission Olympic. Number third, to keep away youth from drug and all kind of unionism activities. Number four, to give them a faith ki hum aage kuch kar sakta hai. And let me tell you, abhi bhi national game mein Arunachal wala 17 participate kiya, 7 medal leke aaya. To iska matlab hamara bahut potential hai aur us potential ko explore karne ke liye ye ek naya disha hai. Yes sir, ye scholar aaj Arunachal mein aap enter kar chuke hain, isko already notice mein aap isko launch kar chuke hain na Arunachal shuruaat par se. Shuruaat Arunachal se hua hai, sara notice ke liye bhi hai aur sara state se unko award mila. Hum last week hi Nagaland ko deke aa gaya hu aur jo jahan pe nahi hai ek do hai usko hum log अपना वहाँ स्पीड पोस्ट से हम लोग भेज दे रहे हैं. सर आप भेज रहे हैं ये स्कॉलरशिप को सर थोड़ा सिंपलीफाई सिंपल वे में बता पाएंगे? अच्छा, सर, हाँ, किस तरह का लोग हाँ, हाँ, कर ठीक, पाएंगे ठीक फ्यूचर में अगर हाँ, करना चाहेंगे तो किस तरह का प्रोसीजर रहेगा? गुड आइडिया. ये स्कॉलरशिप ये है कि जो आदमी, जो स्पोर्ट्स पर्सन, जो लड़का लड़की जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल में, स्टेट लेवल में, नेशनल लेवल में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है रिसेंटली विदिन 2 ईयर्स, नंबर वन. नंबर टू, ही शुड डेट और जहाँ से भी पार्टिसिपेट किया है वो अरुणाचल ओलंपिक एसोसिएशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का सर्टिफाइड रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स में होना चाहिए. थर्ड, ये जो जिन्होंने अप्लाई किया, जिनको मिला है, जो अप्लाई करना चाहते हैं वो किसी संस्था, जरूरत नहीं है कि सिर्फ किसी एकेडमी में ही पढ़े, वो क्यों ना हो गांव वाला भी हो सकता है, कोई मतलब अनएम्प्लॉयड भी हो सकता है, लेकिन वो मेडल जीते और पार्टिसिपेट किया हो. ये सिर्फ नहीं किसी मेडल वाला को देगा, डेट इज नंबर. एंड थर्ड, कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, यू मे बी ए क्लास वन और यू आर मे बी ए ग्रेजुएट, एज का भी कोई ग्रुप नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स वी गिव प्रेफरेंस टू द जो यंग वालों को पहले प्रेफरेंस देते हैं. और एंड वी गिव स्पेशल एम्फेसिस टू द गर्ल्स, बिकॉज गर्ल्स लाइक नोटिस इज स्टोर हाउस ऑफ ए मेडलिस्ट, पोटेंशियल मेडलिस्ट लाइक ए मेरी कॉम, लवलीना, मीराबाई चानू,
और भी बहुत लोग हैं सर, इस बेनिफिट्स को उतारने के लिए कैपिटल रीजन्स में तो बहुत सारे लोग मालूम होगा, बट इंफॉर्मेशन जो बस्ती सेक्शंस में होगा उसको आप किस तरह से अवेयरनेस किस तरह से रीच आउट कराएंगे? इसीलिए कह रहा ये एंटोनी, आई थिंक यू शुड एबल टू टेल इसको हाउ वी आर गोइंग टू डिसेमिनेट, हम लोग उनको देंगे। दिस कुड बी रीच थ्रू योर पार्टिसिपेशन, लाइक यू हैव कम, यू आर क्वेरिंग, वी कैन नॉट रीच द ग्रास रूट, सो थ्रू मीडिया। मीडिया इज अ पोर्ट पिलर ऑफ द कंट्री, सो यू आर द बेस्ट our partner to reach with the grassroots in days to come. Taco sir, since sir has mentioned ki aap log collab karenge, collaboration karenge aapke Olympic association, to kis kis level tak aap log jo participant hai ya candidate hoga usko kis angle ya kis level tak help karenge ye contribute to this question? ye hum log Olympic का अंडर में सारा स्टेट का एसोसिएशन लोग एफिलेटेड है, इनको जो मेडल है जैसे अभी जो मेडल लेने वाले सारा डाटा हम लोग मेंटेन करता है, तो अभी इन लोग दे वी ऑल्सो वेरीफाइड, तो हम लोग रिकमेंड करेगा कि दीज आर पोटेंशियल, जो पोटेंशियल है हमारा मेडल विन का आपका इंटरनेशनल नेशनल लेवल विनिंग है तो उसको सपोर्ट करें। और ये डाइट जो है वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट ये बेसिक जो एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स के लिए, स्पेशली आपको चाहे जो भी स्पोर्ट हो, चाहे कराटे हो, चाहे वेट लिफ्टिंग हो, खास करके वेट लिफ्टिंग का बहुत ही डाइट ये मिलती है। आई थिंक जो आया वाला है ये हम लोग के लिए बहुत काफ़ी इंकरेजमेंट है, और उसको लेके मैं थ्रो आपसे मैं यहाँ अरुणाचल का गवर्नमेंट को प्लस यहाँ का जो कंपनी लोग है, ऐसे नहीं कि अरुणाचल में कंपनी नहीं है, बहुत सा कंपनी लोग है यहाँ बिजनेस इस्टेब्लिश करना बहुत लोग है, उन लोग भी आगे आए, गवर्नमेंट आप उनको बुला के मीटिंग कीजिए, मीटिंग करके एक स्पोर्ट्स को एडप्ट करने लीजिए। हमारा दिल्ली का वाला आके एडप्ट कर सकता है, वही अरुणाचल के नॉट डू, सो दिस इज ए गुड लेसन फॉर दी स्टेट ऑफ अरुणाचल। सर पीयूष ग्यादी जी का अभी इंटरव्यू लिया है सर, उनका कहना था कि स्टेट गवर्नमेंट शुड इंटरवीन एंड थोड़ा फंड प्रोवाइड करना चाहिए, तो ठीक है, आई थिंक दैट इज स्टेट गवर्नमेंट वो तो करेंगे। आई वॉन्ट टू एड मोर, जो बामांग ने बहुत अच्छा उन्होंने बताया, आई वॉन्ट टू एड सर, यू हैव स्पेसिफिक क्वेश्चन, हाउ आर यू गोइंग टू रीच आउट? हमारा हेल्पिंग हैंड में वी हैव ए आई टी सेल, एंड दीज डेज यूथ्स आर व्हाट्सएप पे कहीं ना कहीं सोशल मीडिया में तो है ही है, सो वी आर कनेक्टेड विथ 47 आईटी सोशल मीडिया फॉर व्हिच आर वेरी पॉपुलर, लाइक योर अरुणाचल वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश, आपका टीवी हो, यू नो आंसू आपसू, सो आवर एम इज टू रीच आउट थ्रू देम, नंबर अपार्ट फ्रॉम व्हाट थ्रू ओलंपिक एसोसिएशन इन सोशल मीडिया, वी आर सेंडिंग इट टू द पंचायत मेंबर, वी आर सेंडिंग टू द डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर, वी आर सेंडिंग इट टू द अदर इवन म्यूनिसिपल लाइक ईटानगर एंड नालगन, एंड नॉट ओनली दैट, हम लोग ये भी हम लोग वी आर एनकरेजिंग प्लस वी आर स्ट्रेटेजाइज ये कर रहा है कि खेलने के लिए जगह हो तभी तो खेल पाएंगे ना, सो दिस व्हाट वी आर लाइक जीरो में पडियू में जो स्टेडियम में आई वेंट माई सेल्फ, पेशाब करने के लिए जगह नहीं है, सो वी आर टेलिंग एंड वी इवन वी गिवन सजेशन, वी विल टेक ओवर, व्हाई नॉट एस ए विल मेंटेन देम, सो वी स्ट्रेटेजी। जो आपने आप लोग का स्कॉलरशिप के अंदर में सीट लिमिटेशंस कुछ स्पेसिफिक है रहेगा या कॉमन फॉर एनी टारगेट, एंड देन कैसे आप लोग क्लासिफाई करेगा कि कौन जूनियर है नहीं, गोड पॉइंट, बहुत सारे इनिशियली सिंस ये बिगिनिंग है, पायोनियरिंग है, हम लोग ये कर रहे हैं कि जिन्होंने स्टेट लेवल पे जो जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हो उनको ले करके फिर ऊपर लेवल तक अभी दिए इनिशियल किया, एंड इन फ्यूचर आवर सीईओ ऑफ द बीआरए इज ऑल्सो देयर, वी विल एक्सप्लोर फॉर एक्सपांसन सब्जेक्ट टू कि वो लड़का लोग कैपेबल है, खेला है, पार्टिसिपेट किया है, एंड प्रॉमिसिंग एंड परफॉर्मेंस विल डिटरमाइन कंटिन्यूटी।